गाइस वेलकम टू पीएस स्टडी। क्वेश्चन है, यूक्रेन की सेना में भर्ती हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर, हम ये देखेंगे स्नाइपर कौन होता है, यानी कि स्नाइपर क्या होता है, ये किस देश का है। यूक्रेन ने अपनी सेना में भर्ती होने के लिए फॉरेन सिटीजन्स को क्यों इनवाइट किया है, एंड भर्ती होने पर उन्हें क्या क्या लाभ पहुँचाए जाएंगे, एंड भारतीय सिटीजन्स को फॉरेन आर्मी को ज्वाइन करने पर क्या क्या उन्हें सजा के प्रावधान है, हम ये सब देखेंगे। तो जो स्नाइपर होता है वो एक निशानेबाज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूक्रेन कॉल्स ऑन फॉरेन सिटीजन्स टू ज्वाइन इट्स आर्मी, उन्हें क्या क्या लाभ पहुँचाए जाएंगे, उन्हें वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उन्हें यूक्रेन की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी और उन्हें फुल सपोर्ट किया जाएगा यूक्रेन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट स्नाइपर हैज़ अराइव्ड इन यूक्रेन, द फ्रेंच कैनेडियन वली फ्रॉम द रॉयल कैनेडियन 22E रेजिमेंट। ठीक है, और ये इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान के युद्ध में भी एक्टिव रह चुका है, और जो इसकी जो मारक क्षमता है, यानी कि जो ये 3.5 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है, आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक स्नाइपर है, और ये इसने ज्वाइन कर लिया है यूक्रेन की आर्मी को। यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट की न्यूज़ है ये, द मोस्ट फेमस स्नाइपर वली हैज़ अराइव्ड इन यूक्रेन टू फाइट अगेंस्ट ऑक्यूपायर्स। जो अगर हम देखें स्नाइपर की, जो अदर स्नाइपर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 7 मैन को एक दिन में मारने की होती है, लेकिन इसकी 40 मैन को एक दिन में मारने की है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूक्रेन वॉर, यूक्रेनी सेना में भर्ती हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर, चुन चुन कर शिकार करने में माहिर। ठीक है, तो ये काफ़ी खतरनाक है, 3.5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और ये फ्रेंच कनाडा का है। ठीक है, इसका नाम वली है। ठीक है, और इन्होंने देख सकते हैं, जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, इन्होंने इनवाइट किया है, जो भी फॉरेन सिटीजन्स उसकी सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, उन्हें लाभ पहुँचाए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, स्नाइपर जो है वो कैनेडियन का है और उसका नाम वली है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी जो पिक्चर है वो इस तरह से दिखता है, ये वली जो इसका नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्नाइपर है ये, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूक्रेन की सेना में भर्ती हो चुका है, काफ़ी खतरनाक स्नाइपर है। अगर ये भर्ती हो चुका है तो और ज़्यादा लोगों की मरने की संभावना है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, 500 सबमिट एप्लीकेशंस, 1 स्टूडेंट इज सेट टू हैव ज्वाइन, यानी कि 500 जो भारत के सिटीजन है उन्होंने यूक्रेन की सेना में भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन डाल दिए हैं, और एक है वो हो भी चुका है, एक नागरिक भारत का। रूस यूक्रेन जंग, भारतीय सेना में 2 बार रिजेक्ट हो चुके सैनिकेश रविचंद्र ने जॉर्डन की यूक्रेन आर्मी रूस के खिलाफ लड़ रहे जंग, यानी कि उसने 21 साल का है, ये तमिलनाडु का है, यूक्रेनी सेना ज्वाइन कर लिया है इसने। हाइट के चलते भारतीय सेना में 2 बार रिजेक्ट होने के बाद सैनिकेश रविचंद्रन रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है। कोयम्बटूर में थुंडालीपुर के सैनिकेश नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये देख सकते हैं, तमिलनाडु के हैं रविचंद्रन, और इन्होंने जो आर्मी ज्वाइन कर ली है उसकी, अगर ज्वाइन होते हैं तो उन्हें फुल सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और उन्हें वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस तरह से। ठीक है, और 3000 अमेरिकन एप्लीकेशन, यानी कि अमेरिकियों ने भी एप्लीकेशन डाल दिए हैं। अब क्या क्या सजा का प्रावधान है अगर भारतीय यूक्रेन या फिर अदर फॉरेन सेना में भर्ती होते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन डोमेस्टिक लॉ क्लियरली स्टेट सच एज एक्ट इन पनिशेबल अंडर चैप्टर 6 सेक्शन 121 to 130 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि आईपीसी की 121 से 130 तक चैप्टर 6 में ये एक ऑफेंस है, और इसमें मतलब इसमें पनिश का प्रावधान किया गया है, यानी कि 7 साल की पनिश दी जाएगी इसमें। ठीक है, यानी कि 7 साल का सजा का प्रावधान किया गया है अगर कोई भी भारतीय सिटीजन अदर सेना को ज्वाइन करता है तो। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पर कीव इंडिपेंडेंट की आप न्यूज़ देख सकते हैं कि जहाँ जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर और रूस के फॉरेन मिनिस्टर की जो तुर्की में करने वाले थे वार्ता, उनकी वार्ता विफल हो चुकी है। अमेरिका में चेतावनी, यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है। ठीक है, और ऐसा बोला है कि रूस उस पर कर सकता है, और ऑपरेशन गंगा के तहत अंतिम फ्लाइट आज आ जाएगी भारत में। आपको पता होगा, भारत के द्वारा यूक्रेन से भारतीयों को बुलाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जो कि आज लास्ट फ्लाइट आ जाएगी। ठीक है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर रूस यूक्रेन की जंग का आज 15वां दिन है और उसमें भी अमेरिका कह रहा है कि रूस है वो यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। ठीक है, यानी कि वो ऐसे कयास लगा रहा है। और ऑपरेशन गंगा के तहत भारत आज भारत की लास्ट फ्लाइट आएगी जिसमें भारतीय आएंगे। ठीक है, भारतीयों को सेफ निकाला जा रहा है यूक्रेन से, ऐसा रूस का भी कहना है कि वो भारतीयों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद।